बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अपने खाने चैनल। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस दुआ के साथ आज अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं पकोड़ा कड़ी। जी हाँ जी, जो मैंने आपको बताया था मैं चंद ही आगे दिनों में बनाऊँगी पकोड़ा कड़ी, तो आज बना रहे हैं पकोड़ा कड़ी। ठीक है, इसके लिए आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ तो आपके पास दही का खट्टा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आज कुछ खास टिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। सबसे पहले इसमें मैंने जी दो गट्ठे, नॉर्मल साइज़ के दो गट्ठे, बड़े नहीं, नॉर्मल साइज़ के दो गट्ठे मैंने प्याज़ें फ्राई होने रख दी हैं। ठीक है, और इसमें मैं ये मसाले डालूँगी जिसमें शामिल है सुरख मिर्च तकरीबन सवा खाने का चम्मच, हल्दी है दो टीस्पून लिए भर के, क्योंकि हल्दी की वजह से इसका कलर ज़्यादा खूबसूरत आएगा, और साबुत धनिया डाला है, पिसावा धनिया है, और नमक है साथ, और ये बेसन की मैं ये देखिए एक प्याली में बेसन लूँगी, ये मेरे पास एक प्याली बेसन है। ठीक है, ये साइज़ है मेरे पास, और उसके लिए आधा किलो दही है मेरे पास। ठीक है, जिसको मैंने पहले बीटर से फ्लिकर से पहले फेंट लिया ताकि इसे गुठियाँ ना बने ना। उसके बाद मैं इसे बेसन में डाल के मिक्स करूँगी, और लहसुन अदरक है वो भी एक खाने का चम्मच है मेरे पास। तो ये हम शुरू करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करना है, कि लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने आपको बता दिया एक खाने का चम्मच, तो ये हम शुरू करेंगे। तो साथ साथ ये करना हमने कि बेसन का ध्यान रखिए कि ये कड़ी जो है ना आराम आराम से बनती है, ये नहीं कि आधे एक घंटे में कड़ी तैयार हो जाएगी, नहीं। इसका जो कड़ी है, मतलब पकोड़े के अलावा जिसको कहते हैं शोरवा कड़ी का, वो तकरीबन आप डेढ़ दो घंटे हल्की सी आँच से पकने देना, तभी मज़े का बनता है ना। तो ये मैं ऐसा इस पर रखने छोड़ दूँगी पकने के लिए, उसके बाद ये रेडी होगी। तो फिर हम इसमें पकौड़े डालेंगे और फिर इसके ऊपर से तड़का लगाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ये एक प्याली बेसन लिया इसके शोरबे के लिए, तो पकौड़ों के लिए हमने आधी प्याली लिया, आधा किलो बेसन लिया, आधा किलो में से जो है पकौड़ों के लिए आधा किलो में से कुछ बेसन हमारे पास ये है, और कुछ बेसन हमने ये इसके शोरबे में डालना है। तो ये बेसन, उसके साथ हमने दो छोटे प्याज लिए हैं। आप चाहें तो नॉर्मल प्याज है तो एक प्याज काट के डाल सकते हैं, बारीक काट लें, ज़्यादा बड़ा काटेंगे तो पकौड़े फट भी जाते हैं ना उससे। तो नॉर्मल साइज़ का प्याज है, और इसमें हम डाल रहे हैं एक चम्मच है खाने का नमक डाल रहे हैं, इसमें हमने इसके अलावा डाला है अनारदाना और साबुत धनिया है दसिया के, आप देख सकते हैं ये, और अजवाइन भी डाली है हमने इसमें। हाँ जी, और ये देखें एक खाने का चम्मच डाला है इसमें सुरख मिर्च, साथ साथ में इसमें चम्मच मिला देती हूँ प्याज में ताकि ये फ्राई होता रहे। तो ये बेसन, इसके बाद हम पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसके लम्स बने, और थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सॉफ्ट इसका जो है ना फूल जाए, मिक्सर इसका अच्छा सा रेडी हो जाए। और फिर अब आप देख लीजिए पकौड़े बनाने से पहले, अगर ये ज़्यादा थिक हो जाता है तो इसको पानी डाल के थोड़ा सा आप नॉर्मल कर लीजिए। अच्छा, बेसन के लिए एक टिप ये बहुत ज़रूरी है कि अगर तो पैकेट का बेसन है आपके पास तो फिर तो आप उसको एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चक्की का बेसन या खुला बेसन है ना, तो आप उसको एक दफ़ा ज़रूर छान लीजिए, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में ना, क्योंकि होता है उसमें से समटाइम्स कोई तिनके वगैरह या सुंडी वगैरह निकलने का डर होता है। तो उसके लिए आप उसको पहले छान लें, और उसके बाद इसको दही में डालकर बीट कर लें ऐसे कि इसमें से टुकड़ियाँ ना बने। ऐसे ही अब हमने मिक्सर तैयार कर लिया है बेसन का, इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन दो ढाई घंटे के लिए छोड़ दें, तो ढक के। तो उसके बाद बस फिर ये कि हो जाएगा फिर इसका मिक्सर, इसका स्मूथ फूल जाएगा सही, जो रेडी हो जाएगा पकौड़े बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको फिर बता रही हूँ अगर ज़्यादा थिक हो जाए, उसमें पानी डाल के आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर सकते हैं कि वो इतना हो के वो उसकी थिकनेस के पकौड़े बनाने के लिए ठीक हो। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन मसाला भून ले गया पकौड़ों के लिए, कड़ी पकौड़ा के लिए। तो कड़ी के लिए अच्छा आपने यूँ करना है, जब आप पकौड़े का मिक्सर रेडी करके रखेंगे ना, जब आप मिक्सर तैयार करेंगे पकौड़ों के लिए, तो आपने ये करना होगा कि मिक्सर में थोड़ा सा तकरीबन एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लीजिए, और दो टेबल स्पून उसमें दही योगर्ट डाल लेंगे, तो उससे ये होगा कि पकौड़े अच्छे स्मूथ बनेंगे। ये टिप आप अपने कड़ी पकौड़ा में पकौड़ों के लिए ऐड करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपके पकौड़े जो होंगे ना वो बहुत अच्छे बनेंगे सॉफ्ट। ठीक है, एक टेबल स्पून खाने का, एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और दो टेबल स्पून योगर्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने ये मिक्सर का मसाला भून लिया है, जिसमें मैंने डाला था सुरख मिर्च, हल्दी, नमक और पिसावा धनिया, और साथ थोड़े से एक चम्मच जो है ना, सॉरी एक टेबल स्पून मेथी दाना। ठीक है जी, ये यहाँ पर मसाला भून चुका है, और यहाँ पे मैंने
इसका मिक्सर रेडी कर लिया था, जो कि अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह करके ऐड कर दूंगी। और फिर मैं इसमें पानी डाल के साथ ताकि सारा साफ हो जाए। अच्छा, कढ़ी के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि जैसे मैंने दही लिया, खटा और बेसन लिया, वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या जिसके लिए आपने दावत का अहतमाम करना है उस उन लोगों के मुताबिक, कि जितने बंदों का आपने खाना तैयार करना है उसके मुताबिक आप दही और बेसन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब जो है डाल के पानी कढ़ी को पकने के लिए रख दिया है, तो इसके नीचे, क्योंकि दही मेरे पास फ्रीज़र वाला था, और याद रखिएगा हमेशा कि जब आप दही फ्रीज़र वाला यूज़ करेंगे, चाहे वो कस्टर्ड के लिए, चाहे खीर के लिए, फिरने के लिए, या सेवैयाँ बनाने के लिए, या कढ़ी बनाने के लिए, तो आप इसके नीचे तवा लाजमी रखेंगे। अब ये देखिए मैंने इसके नीचे तवा रख दिया, और फिर इसको अब ये फ्लेम फुल अभी मैं यूज़ करना, बॉयल आ जाएगा, उसको मैं हल्की सी आँच करके कम से कम 2 घंटे के लिए उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तब इसका जो ना अच्छी सी, जैसे पकौड़ों के लिए शोरबा होता है ना, मतलब तो पानी वाला शोरबा नहीं, मतलब जो शोर जो ग्रेवी होती है पकौड़ों के लिए, वो रेडी हो जाएगी ना। फिर मैं इसमें पकौड़े बना के फ्राई करके डालूंगी, जो हमने मिक्सर आपको बताया था। उसके बाद मैं इसके ऊपर से कड़ी पत्ता और गोल मिर्च का मैं तड़का लगा दूँगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब पकौड़े बन रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ इस तरह से हम पकोड़े बना रहे हैं, और कढ़ी में हम डालेंगे ये देखिए। अच्छा, अभी ये ना थोड़ी थिक हो गई है, इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो इसमें जी जो है हम पकोड़े डालेंगे, पकोड़े डालने के बाद जो है तड़का लगाएंगे का, गोल मिर्च का और कड़ी पत्ते का, और एंड में हम इस पर डाल देंगे कसूरी मेथी, जो है ज़ीरा भी डालेंगे साथ इसमें तड़के में, तो फिर हाँ ये कड़ी डन हो जाएगी, ठीक है जी। और अभी हम इसमें डालते हैं, ये देखिए हम डाल रहे हैं इसमें ये। अच्छा, डालने के बाद ना इसको हम ढक्कन ऊपर से ढक देंगे ताकि ये कड़ी में एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत दूर से इसकी वीडियो बनाऊंगी तड़के की, ये देखिए कि हमने डाला इसमें कड़ी पत्ता और जो है गोल मिर्च, 3 से 4 आप गोल मिर्च ले सकते हैं, और ज़्यादा तो सर ढाको तो हम 4-5 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये छीटे मार रहा है। अभी हम इसमें ज़ीरा भी ऐड करते हैं। अब ये इसमें हमने ज़ीरा भी डाल दिया तड़के के लिए, अब बस इसको हम डाल देंगे देचकी में, कड़ी में, ये देखिए जी। अच्छा, प्लेट में मैंने डाल के इसलिए किया क्योंकि वो फैल रहा था बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। तो जो है आज की थी ये हमारी वीडियो, आज हमने रेसिपी बनाई पकौड़ा कढ़ी, इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और सबसे अच्छी अच्छी दाद लीजिए। तो जो है कल मिलते हैं अच्छी रेसिपी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने खाने, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबान।